वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ यामिनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज सैंडविच। वेज सैंडविच के लिए ये हैं आपकी इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसमें जाएगा एगलेस मेयोनीज, ये है हमारे टू टाइप्स ऑफ बेल पेपर, कुकुम्बर, अनियन। अब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 स्पून्स ऑफ एगलेस मेयोनीज। अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये सब्जियों के साथ चिपक ना जाए। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। यानी स्वाद अनुसार नमक। अब जाएगा इसमें कुटी हुई काली मिर्च, वो भी अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। जिसे कम अच्छी लगती है वो कम डालिएगा, जिसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ज़्यादा डालिएगा। इसमें जाएगा पास्ता सीजनिंग, ये मेरा फेवरेट है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, जो कि है किया का। देखिए ये भी स्वाद अनुसार डालिएगा, आपके बच्चे जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ब्रेड पे फैला लेते हैं। हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो हमें इसकी जो साइड्स हैं उसे रिमूव नहीं करेंगे, ब्रेड की साइड्स हम रिमूव नहीं करेंगे, हम एज़ इट इज़ ले लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्रेड साइड्स नहीं खाते हैं, तो आप इसकी ब्रेड की साइड्स रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ चीज़ स्लाइस, जो कि अमूल का चीज़ है। मैं इसको टेयर करके दूसरा ब्रेड का जो पीस है उसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे। अच्छे से एडजस्ट करेंगे और अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे दोनों को। तो ये देखिए, हम इसको एक प्लेट में रखेंगे और देखिए बनके रेडी हो गया हमारा सैंडविच। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे ताकि इसकी एक शेप दे पाएं हम लोग, और इसे सर्व करेंगे मेयोनीज़ के साथ। हम लोग तो मेयोनीज़ के साथ खाते हैं, अगर आपको टमाटो केचप के साथ खाना है तो आप टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ खा सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये, डिलीशियस एकदम। सो देखिए है, मैंने अब इसे सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।